यार तुम इंडिया के सबसे बड़े ठग नटवर लाल को तो जानते ही होंगे, जिसने ताजमहल तक बेच दिया था। पर तुम्हें पता है, वो भी ठगना इन दोनों भाइयों के शॉप से ही सीखा था। ये पागल पागल हो गए हो क्या? मेरी हेयरबिन ले ली, दो मेरी हेयरबिन आप। भाई क्या हो गया पागल, आपने खराब कर दी। मैंने क्यों हेयर स्टाइल खराब करनी, किधर से आगे चलाक लोमड़ी शोर कर रही है? छाता मारूंगी ना, आपने मेरी हेयरबिन ले ली थी। मैंने ली हेयरबिन? यार ये वीडियो देखने के बाद तो मेरा बच्चों पर से विश्वास उठ गया। आजकल के बच्चे कितने डेंजरस होते जा रहे हैं। हो गया, समझ आ गई। हर किसी प्रैंक प्रैंक ये है। हाँ। बेटी एक हेयर बैंड ही तो था, वो भी उसने बाहर ही फेंक दिया। शायद उसने भी खतरे को भाप लिया था। अगर बाहर से ही उठा लिया होता तो चालाक लोमड़ी तो नहीं बनना पड़ता। छुपे, आप ये मेरे से गिफ्ट रखो और प्लीज इसे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, आप बोल रहे इसके लिए तो नहीं छोड़ती। चलो ठीक है, जाओ। और लास्ट में आते आते ओवर एक्टिंग करके सबका पोल खोल ही दिया। और ये छोटा भाई तो छोटा ढोल है, जिसे हर वीडियो में लोग बजाते ही रहते हैं। और भाई इतना तो इंडिया की आबादी भी नहीं होगी जितना इंडियंस इसके वीडियो में दिखते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा भिखारी इसके कमेंट सेक्शन में ही दिखते हैं आईफोन मांगते। यार जिस उम्र में मैं अकेले स्कूल तक नहीं जा पाती थी, उस उम्र के बच्चे दुबई जा रहे हैं आईफोन लेने। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया।